अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग हमें कमेंट करके हमें बताया कि मोटे कपड़े पे आवाज़ बहुत आ रही है। तो इससे पहले भी मैं बहुत बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया था कि आवाज़ का कैसे सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से भी, और अगर ये सुई में चले तो यहाँ से आवाज़ आ रही है, तो मैं उसका बता रहा हूँ क्या वजह से। यहाँ पे 2-3 बजे से आवाज़ आती है, और हमारे चैनल को जो पहली बार आया उन्हें जो हमारे चैनल पे पहली बार आया सब्सक्राइब करें और बेल का घंटी बजाएं। बहुत से लोग बेल का घंटी नहीं बजाएं, उससे क्या हमारा जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उनके पास नहीं पहुंचेगी। तो आप जितने लोग बेल का घंटी नहीं बजाएं तो बेल का घंटी बजा दीजिए, और मैं बता रहा हूँ इसको। ये देखिए, ये पैंट का कपड़ा है, चार पल्ला मैं फोल्ड कर रखा हूँ। चार पल्ला फोल्ड कर, ये देखिए चार पल्ला फोल्ड कर रखा हूँ। अब इसको चलाते, इसका आवाज़ देखिए। देखिए इसमें आवाज़ ज़्यादा है, जैसा लग रहा है आप सुई टूट जाएगी। तो ये देखिए आवाज़ किस किस वजह से आ रही है। ये देखिए प्लेट मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ये प्लेट का होल। अगर ये छोटा रहा, प्लेट का होल अगर छोटा रहा तो आवाज़ ज़्यादा आएगी। यानी नया प्लेट लगाएंगे ना तो आवाज़ बढ़ती है मशीन में। जैसे मोटे कपड़े पे चलाए तो जैसा लगता है अब सुई टूट जाएगी, और सुई टूट भी जाती है। ये इसका होल, इसको हमको बड़ा कर लेना है। कोई ऐसा बारीक चीज़ या नोकीला चीज़ लेके इसको ऐसे करके घिस के इसको बड़ा कर लेना है। ये जब ये बड़ा इस लायक हो जाए ना, देखिए दूसरा प्लेट मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं इसको सेट कर रखा हूँ, देखिए नया प्लेट रहेगा तो, नया प्लेट लगाएगा तो इतना बड़ा नहीं रहता, एकदम बारीक सा होल रहता है, सिर्फ सुई जा सके। इसके वजह से सुई भर रहता है, मतलब इतना होल रहता है। ये जो सुई का जो पॉइंट है ना, इतना ही होल रहता है यहाँ पे। अब भी मैं इसमें सुई डाल रहा हूँ, ये देखिए इसको मैं बड़ा कर रखा हूँ। ये आवाज़ ज़्यादा आती थी और सुई भी टूटती थी, सुई ज़्यादा टूटती थी, इसके वजह से इसको बड़ा कर रखा है। अगर मोती का भी काम करें ना, मोती पे सिलाई मारे तो ये बड़ा होल रहेगा तो क्या सुई टूटेगी नहीं। और इसका आवाज़ पहले सही करते हैं। ये देखिए हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, खाली ये सुई इसका चेंज करेंगे। इसका सुई चेंज कर दिए, ये देखिए ये सुई मोटा है, ये सुई मोटा है, ये सुई पतला है। ये देखिए ये मोटा सुई है, ये पतला सुई है, ये 16 नंबर सुई है, ये इस पे नंबर दिख नहीं रहा लेकिन है मोटा सुई, बहुत बारीक लिखा हुआ रहता है इस पे इसका नंबर, लेकिन दिख नहीं रहा हिसाब से। लेकिन 16 नंबर सुई लगाइएगा तो आवाज़ नहीं आएगा। पहला कारण ये होता है, एक प्लेट होता है, प्लेट की वजह से आवाज़ आती है, और दूसरा कारण सुई मोटा रहा तो आवाज़ आती है। अभी ये सुई लगा के मैं सिलाई मार के दिखाता हूँ।
सुई का ये जो खांच है ना यहाँ पे, ये गौर से देखिए, ये जो खांच है, ये जो खांच बाहर की तरफ रहेगा, इधर कुछ भी खांच नहीं है, ये अंदर की तरफ रहेगा, यानी ये जो खांच है इधर रहेगा। अब इसको हम टाइट कर लेंगे। पहले ये प्लेट लगाए थे, अब ये प्लेट लगाएंगे, इसमें ज़्यादा बड़ा होल है। ये देखिए, अब ये बड़बड़ बड़बड़ करके आवाज़ आ रहा था, जैसे लग रहा सूं टूट गया, वो आवाज़ ख़त्म हो गई है। ये मोटा कपड़ा का आवाज़ है, थोड़ा आवाज़ रहती है मोटा कपड़ा पे, उस तरह आवाज़ नहीं है जैसा लग रहा है आप सुई किसी चीज़ में लड़ रहा है। अब इसको डबल यानी ये चार चार कपड़ा है, अब इस पे आठ कपड़ा पे भी चलाएंगे ना तो उतना आवाज़ नहीं आएगी, अब थोड़ा आवाज़ बढ़ी है क्योंकि आठ कपड़ा है ना, लेकिन मशीन चल रही है। देखिए सिलाई भी सही हो रही है। तीसरा कारण यह है मशीन का आवाज़ क्यों होती है, जैसे ये जो रड है, ये सुई सिलाई का जो रड है, अगर ये सुई सिलाई का रड है ना, अगर कुछ नीचा रहा, कुछ ज़्यादा ये नीचा रहा शेटल से है ना मिला के, और इसको सेटिंग किया रहा तो भी आवाज़ आएगी। इसका जो सेटिंग है, इसका सेटिंग कम से कम यहाँ यहाँ से इंची टेप से नापेंगे ना, ये यहाँ से इस सुई के पॉइंट तक, तो कम से कम आधा इंच एक पॉइंट रहेगी, अगर उससे कम रहा तो आवाज़ आने का चांस रहती है, क्योंकि ये गैप इन कम रहेगा तो आवाज़ आएगी। और कोई भी सवाल है कमेंट करके बताइए, और कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए। अब वीडियो कैसा लगा लाइक आप ज़रूर कीजिए, लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक करने में पैसा नहीं लगता, लाइक करने से क्या है ये हमको मालूम पड़ता है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो लोगों को फ़ायदा पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, हमारे वीडियो से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। और बहुत से लोग सब्सक्राइब किए हैं, बेल का घंटी नहीं बजाया है, जिन्होंने बेल का घंटी नहीं बजाया है कृपया करके बेल का घंटी बजा लीजिए। चलिए और दूसरी वीडियो में मैं आपको ये सुई सिलाई का सेटिंग करना दिखाऊंगा, ये सुई सिलाई निकाल के, कभी कभी क्या होती है कितना भी हम इसको मिलाए शटल मिलाए टाँका छोड़ती रहती है, तो ये वजह से ये इसमें ज़्यादा ढक रहती है, ज़्यादा हिलती है ना, इसके वजह से सिलाई बार बार किनारी को उतर जाती है, कितना भी इसको सेटिंग करें ना किनारी पर उतर जाती है, तो एक इसका तकलीफ़ है। तो दूसरी वीडियो में मैं इसका दिखाऊँगा, ये सुई सिलाई को खोल के फिर से फिटिंग करना, और इसमें भी है ये जो ख़राबी रहती है, कभी कभी हम मोटे कपड़े पे हम सिलाई मारे तो ये है ना कपड़ा खींचा नहीं बराबर, हम ये मोटे कपड़े पे सिलाई मारे ना तो खींचता नहीं है, तो यहाँ से ख़राबी है। तो फिर कभी किसी और दिन इसके बारे में भी बताऊंगा आपको, यानी पूरा डिटेल हर पार्ट के बारे में आप कमेंट करें तो हम पूरा पार्ट के ऊपर वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।